तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था भाई होली को, एंड आज फिलहाल वापस से हम लोग फोकस करने वाले हैं हमारे उस गेमिंग रूम पे। फिलहाल उसका काम चालू है एंड काफी सारे पैसे उसके अंदर लग चुके हैं। लास्ट टाइम मैं 10 करोड़ के लगभग लेकर आया था एंड अभी लास्ट के बस 5 करोड़ की और जरूरत है इस गेमिंग रूम को फुल्ली कंप्लीट करने में। फिलहाल देख सकते हो काफी हद तक काफी बढ़िया तरीके से काम हो चुका है। बाकी हर फेस्टिवल के लिए मैं उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए एक स्पेशल कार लाता हूँ। जैसे दिवाली पे ये वाली दिवाली स्पेशल कार लाया था, वैसे ही मैं होली पर होली स्पेशल कार लेके आया था। बट वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव थी भाई गाड़ी कि उसको मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाया भाई, उतने पैसे नहीं थे मेरे पास। तो मैं बस उसे रेंट पे लेकर आया था एंड देन वापस करके आ गया था मैं साइमन को। खैर वो सब छोड़ो, जरा देखते हैं गेमिंग रूम का काम कहाँ तक पहुँचा है एंड आखिर के जो 5 करोड़ रह गए हैं उनका जुगाड़ करने के लिए आज चलना है। देखते हैं कहाँ से मिलेंगे ये आखिरी के 5 करोड़। बाकी ये देखो भाई, यहाँ पर काफ़ी सारे वर्कर्स लगे पड़े हैं। कॉन्ट्रैक्टर आया है, आर्किटेक्ट नहीं आया। अरे वो क्यों नहीं आया भाई? पता नहीं यार, आना तो चाहिए था। खैर कितना टाइम लगेगा? बस 5 करोड़ ले आओ, उसके बाद कंप्लीट है तुम्हारा ये। ठीक है। ओ नो, अबे यार सीधे, ओ नो सीधे नीचे ही गिर गया मैं। खैर तो देखा तुम लोगों ने गाइस, काफी हद तक काम काफी तेजी से बढ़ रहा है। इधर का तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, इधर एक बीच में ये जगह खाली रह गई थी वो भी फिलअप हो चुकी है एंड अपना जो कलेक्शन है वो भी अल्टीमेट होता जा रहा है धीरे धीरे करके। मेरे पास काफी सारी स्पोर्ट्स कार हो चुकी है, काफी सारी सुपर कार्स हो चुकी है। कुछ गाड़ियां तो इतनी ज्यादा रेयर है कि वो तुम्हें लॉस सैंटोस में नॉर्मली देखने को भी नहीं मिलेंगी। जैसे कि ये वाली गाड़ी तुम्हें कभी भी लॉस सैंटोस में देखने को नहीं मिलेगी भाई, ये पर्पल वाली। बाकी ये रोल्स रॉयस तो दिखी जाती है कहीं भी एंड जैसे कि ये वाली सुपर कार अलग है। बाकी बाइक्स का भी थोड़ा सा कलेक्शन करना है यार। मैं सोच रहा हूँ आज जरा एक आध बाइक ही लाएंगे क्योंकि गाड़ियां बहुत सारी हो गई है भाई अपने पास। ऊपर की तरफ देखो भाई, पूरा का पूरा गैराज भरा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास एक टैंक भी है, एक हेलीकॉप्टर भी है। SUVs की कमी है मेरे कलेक्शन में, SUVs को भी धीरे धीरे हम लोग एड ऑन करेंगे। बट अभी फिलहाल थोड़ा बाइक का कलेक्शन ठीक ठाक हो जाए उसके बाद SUVs के बारे में सोचेंगे, या फिर दिख गई तो भाई छोड़ूंगा तो नहीं मैं, ऑब्वियस सी बात है उठा लाएंगे अगर दिख गई रास्ते में तो। फिलहाल अभी तो पहले 5 करोड़ का जुगाड़ करते हैं एंड देन उसके बाद गाड़ियों का जुगाड़ करेंगे। बट प्रॉब्लम यही है ना भाई, 5 करोड़ आखिरकार मैं लाऊं तो लाऊं कहां से? अब इसके बारे में जरा चलते हैं शिनचैन पिनचैन और चॉप से बात करते हैं। उम्मीद है भाई मेरे को, ये कोई भी आइडिया नहीं देने वाले हैं बट स्टिल एक बार बात करके देखते हैं भाई। हेलो भाई शिनचैन पिनचैन, कैसी रही होली तुम लोगों की? अरे जैसी तुम्हारी रही यार। मेरी तो बढ़िया रही। अरे तो हमारी भी बढ़िया रही यार। बैक कर लिया, तू ये छोड़, तू ये बता गेमिंग रूम कब कंप्लीट होगा भाई तेरा? बस यार वो लास्ट के 5 करोड़ रह गए, वो तुम लोग किसी तरीके से इंतजाम करवा दो यार, बस कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट टाइम तक। अरे यार हम लोग कहाँ से जुगाड़ करवाए, हमारे पास 5 रुपए भी नहीं है। क्या मैं 5 रुपए नहीं दे सकते तुम लोग? तो 5 रुपए चाहिए भी किसे, मुझे तो 5 करोड़ चाहिए। चौप भाई तू कुछ जुगाड़ करवा सकता है? मैं कलू यार 50 का जुगाड़ करवाना हो तो बता भाई, 50 का जुगाड़ तो मैं करवा दूंगा। 50 करोड़ का? अबे 50 करोड़ नहीं, 50 रुपए का। अबे यार मैं कह नहीं रहा था भाई, इन लोगों से कुछ भी नहीं होने वाला। खैर छोड़ो यहाँ से निकलते हैं। अरे एक आइडिया है यार। क्या आइडिया है भाई बता क्या आइडिया है। अरे लॉस सैंटोस में। क्या लॉस सैंटोस में? बता बैंकों को लूट लो यार, हो जाएंगे 5 करोड़। अबे पागल है क्या यार, ये तो ऐसे तो बहुत सारे मेरे पास ये आइडिया है। ज्वेलरी स्टोर लूट लियो तो 50 करोड़ हो जाएंगे मेरे पास, लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को उड़ा दिया तो 500 करोड़ मिल जाएंगे। अबे ये सब फालतू के आइडियाज है, कोई ऐसा आइडिया जिसमें कोई रिस्क भी ना हो और 5 करोड़ मिल जाए, ऐसा कुछ आइडिया है? नहीं है ना भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ, नहीं इन लोगों के पास कभी कोई आइडिया मिलता ही नहीं है, मुझे खुद ही जुगाड़ करना पड़ेगा। 5 करोड़ कहाँ से लाए जा सकते हैं? जस्ट थिंक गाइज। हाँ मैं अपनी एक गाड़ी बेच दूँ अपने शोरूम में से तो भी 5 करोड़ आ जाएंगे, बट मैं नहीं बेचना चाहता भाई, इतनी मुश्किल से अपना कलेक्शन बनाया है गाड़ियों का। नहीं उनमें से एक भी गाड़ी नहीं बेच सकता मैं, बट 5 करोड़ तो चाहिए, आखिरकार लाऊं तो लाऊं कहाँ से? प्रॉब्लम तो सारी यही है ना भाई, कहाँ से आ सकते हैं 5 करोड़? लेट मी जस्ट थिंक। 5 करोड़ साइमन से पूछो? अरे नहीं साइमन तो कोई फालतू आइडिया बताएगा। लेस्टर के पास मुझे लगता है आइडिया होगा, पुलिस वालों से पूछूं क्या जाके? लेकिन पुलिस वाले से क्यों पूछूंगा भाई, और पुलिस वाले मेरी हेल्प क्यों करेंगे यार? क्या करूं ये 5 करोड़ कहाँ से लाऊं? ये 5 करोड़ मिल जाए तो अपना गेमिंग रूम फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा यार नेक्स्ट एपिसोड तक, सोचना पड़ेगा जल्दी। फिलहाल गेमिंग रूम को इन लोगों ने थोड़ा ऐसा डब्बे जैसा फील नहीं दे दिया? बैक कॉन्ट्रैक्टर भाई इसको थोड़ा बढ़िया फील दे यार,
घर में मैच ही नहीं हो रहा है गेमिंग रूम। अरे टेंशन मत लो यार, एकदम खतरनाक बनेगा ये। अबे खतरनाक बनेगा लेकिन कब बनेगा? 5 करोड़ ले आओ, बन जाएगा। अरे मतलब खतरनाक कब बनेगा, ब्यूटीफुल कब बनेगा? ऑलमोस्ट सारे पैसे तो लग गए, बस 5 करोड़ लास्ट के ही तो रह गए, उतने में ये ब्यूटीफुल हो जाएगा। अरे यार पूरे घर से तुम्हारा ये गेमिंग रूम अलग ही चमकेगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। फिलहाल तो वैसे भी अलग ही चमक रहा है यार। अरे मेरा कहने का मतलब है एकदम बढ़िया चमकेगा, 5 करोड़ लाओ तो सही। ठीक है, 5 करोड़ कहाँ से लाए जाए? 5 करोड़ ट्रेवर, नहीं ट्रेवर कहाँ से आइडिया देगा? लेमार, छोड़ो लेमार, क्या ये आइडिया देगा? माइकल का बेटा जिमी, नहीं अबे वो तो खुद भिखारी है, क्या ही वो 5 करोड़ का आइडिया देगा? तो कौन दे सकता है मुझे 5 करोड़ का आइडिया, ये है सबसे बड़ा सवाल। कौन देगा यार आइडिया मुझे, कौन देगा आइडिया? ट्रेवर, ड्राइवर का कॉल क्यों आ रहा है? चलो कॉल पिक कर ही लेते हैं। हेलो भाई ड्राइवर, कैसे याद आ गया तेरा दोस्त इतने दिनों के बाद? बता भाई कैसे फ़ोन किया मेरे पास? कुछ बात करनी है मेरे से? क्या बात करनी है भाई, बोल तो सही, बात क्या करनी है तेरे को? आ जाऊँ तेरे पास, तेरे घर के पास, वो एक्लिप्स टावर? ठीक है आ रहा हूँ, वहीं रुक। ओके ड्राइवर ने बुलाया गया, कुछ बात करना चाह रहा है वो अपने घर के पास। फिलहाल तो वो रहता वो सैन एंड्रियास की तरफ है, लेकिन आज वो जो एक्लिप्स टावर में उसका फ्लैट है वहाँ पर आया है वो। अरे वाह इतने दिनों बाद, क्या बात है। चलो चल के एक बार मिल के आते हैं उससे, देखते हैं क्या कह रहा है। कहाँ गया इसका फ्लैट? वो रहा, जल्दी यहाँ से राइट एंड देन आगे से लेफ्ट। लास्ट टाइम वैसे इसकी बिल्डिंग पे गया था मैं अपने घर का लुक देखने के लिए, इसकी बिल्डिंग से काफ़ी बढ़िया दिख रहा था अपना घर। खैर अरे सीधे फ्लैट में ही बुलाया है क्या इसने? रुको इसकी बिल्डिंग की पार्किंग में लगा देता हूँ। भाई बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग खरीदी है इसने, मतलब बिल्डिंग क्या फ्लैट खरीदा है ये देखो, पर्सनल इसकी पार्किंग भी है एंड देन फ्लैट जो है वो तो फ्लैट है ही, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। खैर चलते हैं क्विकली। खोल दो भाई गेट। कौन सा खुलेगा? खोल दो भाई। अरे क्या ड्रामा है, सारे गेट लॉक्ड क्यों है? ये खुल गया, चलो भाई। कौन सा इसका फ्लैट है, ये वाला है क्या? नहीं ये वाला नहीं है, ये वाला है ट्रेवर। ओ यस ये यार मैं भूल जाता हूँ हर बार। ओके वो रहा ट्रेवर। बताओ इतना ब्यूटीफुल घर है फिर भी पता नहीं है सैन एंड्रियास के उस टूटे फूटे घर में क्यों रहता है। ट्रेवर भाई कैसे हाल चाल तेरे? मेरे बढ़िया है यार, तुम अपने बताओ। मेरे तो तेरे से भी बढ़िया चल रहे हैं। खैर तू ये बता, फोन कैसे किया तूने, घर पे कैसे बुलाया तूने? अरे यार वो डील हो जाए। कैसी डील? पैसों की। अच्छा तू मेरे को पैसे देने वाला है क्या? नहीं मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला, मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा जिससे तुम्हारे पास पैसे आएंगे एंड देन उसमें से हम लोग 50-50% कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है 50-50% कर तो लेंगे, लेकिन कितने मिलेंगे वहां से? 5 करोड़। ओके तो टोटल 10 करोड़ मिलेंगे, मतलब 5 करोड़ मैं रख लूंगा, 5 करोड़ तू। ठीक है डील डन। नहीं टोटल 10 करोड़ नहीं मिलेंगे, टोटल 5 करोड़ ही मिलेंगे, उसमें से 2.5 करोड़ तुम्हारे 2.5 करोड़ मेरे। अबे चल वे चल, ऐसी डील नहीं करता मैं। 5, अबे यार तू डील भी लेकर आया था सिर्फ 5 करोड़ की? यार पूरे 5 करोड़ मुझे ही चाहिए। एक्चुअली में मेरा जो लास्ट का वो गेमिंग रूम रह गया है वो बस कंप्लीट करना बाकी रह गया है एंड उसके लिए भाई बस 5 करोड़ की ज़रूरत है एंड उसमें से तू अब अपना परसेंटेज भी मांगेगा। यार वो तो मेरा बनता ही है, अगर तुम्हें आइडिया बताऊंगा तो मैं। अबे तो ठीक है 20% ले लियो, 50% छोड़ दो, 20% ले लियो। 20% के हिसाब से हो गया 1 करोड़, मतलब 5 करोड़ मैं लाऊंगा, उसमें से 1 करोड़ तेरे, 4 करोड़ मेरे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अच्छा ठीक है मान गया गाइस। चल प्लान बता कहाँ से आएंगे पैसे? तो देखो ध्यान से सुनना। अरे ध्यान से ही सुन रहा हूँ। तो कान से सुनना। अबे कान से भी सुन रहा हूँ, ध्यान से भी सुन रहा हूँ, आगे बता तू। तो मेरी बात को पूरी जान लगा के सुनना। अबे तू बोलेगा यार, प्लान ही नहीं बता रहा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। अरे सुनो यार सुनो बता फटाफट बता। तो देखो लॉस सैंटोस के जो क्रूज शिप है उस पे एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन आया है। अच्छा और मुझे ये पता चला है कि वो अपने संग 5 करोड़ लेके आया है। तो जाओ उसे लूट लो। अबे पागल है, जिसके पास भाई ऐसे नॉर्मल पर्स में 5 करोड़ लेके जो बंदा घूम रहा है उसके आजू बाजू तुझे पता है बॉडीगार्ड्स कितने होंगे? हाँ तो तुम्हें कहाँ डर लगता है बॉडीगार्ड से, सबको पीट पाट के लेके आ जाओ।
आइडिया तो ठीक है गाइस, बट फ्लॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है यार। क्योंकि मान लो देखो, सबसे पहली चीज़ तो क्रूज शिप की जगह बहुत छोटी होती है, इतना बड़ा तो क्रूज शिप होता नहीं है कि भाई किधर भी छुप जाओ किधर भी भाग जाओ। एंड सेकेंडरी चीज़, इतना रिस्क लेके बस 5 करोड़ तो मिलने वाले हैं। हाँ लेकिन फिर भी 4 करोड़ तो मेरे पास आने ही वाले हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ ये रिस्क उठाने के लिए। बता कौन से क्रूज शिप? लॉस सैंटोस के बीच वाला क्रूज शिप। अबे यार ये तो बिल्कुल इजी है। ठीक है मैं तो लेके आ जाऊंगा, गन वन है मेरे पास, पिस्टल है, शॉटगन है, शॉटगन में 40 गोलियां हैं, पिस्टल में 89 गोलियां हैं, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? चल भाई मिलते हैं ड्राइवर बाद में। बाकी तू आज अपने इस घर पे कैसे आया बे? बस ऐसे ही मन किया आ गया। ठीक है मैं चलता हूँ, मिलता हूँ जब वहां से पैसे वैसे ले लूंगा मैं, तब मैं तुझे यहीं पे मिलूंगा। ठीक है? ठीक है यार। चलो गाइस निकलते हैं। मिल गया फाइनली आइडिया 5 करोड़ का जुगाड़ करने का। लेकिन 5 करोड़ नहीं, सिर्फ 4 करोड़ का जुगाड़ होगा, क्योंकि 1 करोड़ तो ये ड्राइवर ही ले जाएगा। कोई बात नहीं, 1 करोड़ फिर कभी कर लेंगे। ओके जल्दी यहाँ से जीप उठाते हैं अपनी, निकलते हैं बीच की तरफ। कौन अमीर बंदा आया यार क्रूज शिप के अंदर जो 5 करोड़ वैसे ही लेके घूम रहा है? बताओ यार, यहाँ 5 करोड़ की डील होती है, यहाँ वो 5 करोड़ ऐसी पर्स में लेके घूम रहा है। व्हाटएवर, चलते हैं, हमें तो पैसों से मतलब है, जितने बंदे होंगे पीट पाट देंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। ओके हियर वी गो। किस दिन माइकल को भी लूटना चाहिए, यहाँ से भी पैसे बहुत निकलेंगे भाई। छोड़ो, अपना एक ही तो अमीर दोस्त है, उसे भी लूट लूंगा तो फिर वो दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। चलो निकलते हैं बीच की तरफ, क्रूज शिप आ रहा हूँ मैं, क्रूज शिप तुझे लूटने के लिए, लेट्स गो। ओके तो बीच पे पहुँचने वाले हैं भाई, क्रूज शिप चाहिए बस, वो तो साइड में लगा ही रहता है हमेशा। हट जाओ आंटी जी। हेलो एवरीबॉडी, साइड में हट जाओ प्लीज। ओके यहाँ से एक रोड है, नीचे की तरफ चलते हैं क्विकली। हट जाओ भाई, हटा लो गाड़ी, हटा लो साइड में सबके सब, बहुत ही बढ़िया। एंड इस तरीके से आगे हम लोग शांति से बिल्कुल बीच पे। अब यहाँ पर ओ नो मेरी जीप पलट गई। सीधी हो जा भाई, सीधी हो गई। ये क्रूज शिप, वो रहा क्रूज शिप, दिख तो रहा है सामने की तरफ। अब वहाँ तक जाने के लिए हमें एक बोट की ज़रूरत है, जो कि ऑब्वियसली इधर कहीं साइड से मिल जाएगी। लेकिन मैं अपनी जीप को उड़ा क्यों रहा हूँ भाई, आराम से चलाते हैं, दिक्कत क्या है। हेलो भाई साहब, ये वो वाली गाड़ी है क्या जो बोट में चेंज हो जाती है? ऑब्वियसली ये वो नहीं है। इधर है क्या कोई बोट वोट नहीं है क्या? अबे बीच पे बंदे फिर कर क्या रहे हैं? कोई बोटिंग ही नहीं करना चाह रहा आजकल के ज़माने में भाई, क्या सीन चालू है इधर? कोई भी बोट लेके नहीं उतरा है भाई पानी के अंदर, सारे भिखारी घूम रहे हैं। अरे यार सारे बस यहाँ पड़े रहने के लिए आते हैं बीच के किनारे, कोई एक बोट लेके नहीं आया नालायक। अरे यार कैसे बंदे हैं भाई बीच पे? वो दिख गए कुछ जेट्स की नजर आ गई हैं गाइस उधर की तरफ, बट वो भी मुझे लग रहा है रेंटल वाली जेट्स की है। बताओ देखो इधर बंदे पड़े हुए हैं सनस्क्रीन लगा लगा के, बट स्टिल किसी के पास बोट नहीं है, कितनी ज्यादा शर्म की बात है ये। खैर रेंट पे लेते हैं एक जेट्स की क्विकली वहां से, एंड देन निकलते हैं। रेंट वाला भी पता नहीं बंदा कहाँ है, खैर छोड़ो ना, उठा लेते हैं कोई सी भी, रेड वाली बढ़िया लग रही है, लेके चलते हैं इसे ही। ओके लेट्स गो भाई, चलो भाई नाइस, बढ़िया फुल स्पीड, बहुत ही बढ़िया, एक और जंप, बहुत ही बढ़िया। एंड इधर साइड की तरफ चलते हैं, अरे चलना है यार साइड में भाई। ओके नाइस, लेट्स गो एंड हियर वी गो। अब शांति से हमें एंट्री लेनी है, सबसे पहले तो इस क्रूज शिप पे पीछे की तरफ से तो एंट्री लेनी पड़ेगी, आगे की तरफ से तो बहुत ही मुश्किल पड़ेगी। आगे से अगर एंट्री लेनी है तो रोप चाहिए, एंड रोप तो मेरे पास है नहीं, तो पीछे की तरफ से ही एंट्री लेनी पड़ेगी इस क्रूज शिप पे। ओ नो मैं तो गिर गया भाई, मैं तो जेट्स की भी ठोक रहा हूँ, गाड़ी बाइक तो ठोकता ही था, जेट्स की भी ठोक रहा हूँ, एंड एक और बंदे ने वहाँ पर अपनी शिप ठोक दी इस क्रूज शिप में। अरे वाह यार तू भी एक नमूना ही है, चल सीधी कर ले। इसका व्हील देखो यार, इसका व्हील कितना बड़ा है, और भाई साहब उसका वो ड्राइविंग वाला व्हील देखो, क्या बोलते हैं स्टीयरिंग व्हील, कितना बड़ा है भाई स्टीयरिंग व्हील उसका, घुमानी भी नहीं आ रही इस गधे को बोट। खैर छोड़ो हम लोग अपनी, अबे क्या कर रहा है वो? घुमा ली बंदे ने, घुमा ली, एंड यहाँ पर फुल भगा ली उसने तो। अरे वाह यार, खैर यहाँ पर अपनी बोट को मुझे इसके ऊपर ही लेके आना था, नाइस। ऊपर बॉडीगार्ड्स नजर आ रहे हैं मेरे को, कोई बात नहीं, पहले जेट्सकी को बढ़िया तरीके से पार्क करते हैं, क्योंकि यहाँ से वापस भी तो जाना है, एंड वापस कैसे जाऊँगा मैं ऑब्वियसली अपनी जेट्सकी में। तो शांति से यहाँ पर अंदर की तरफ प्यार से बिल्कुल पार्क कर देते हैं। ये तो इंजन में आ गया मुझे लग रहा है, क्रूज शिप के इंजन में आ गया मैं। और यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारी एक से एक बढ़िया बढ़िया जेट्स की रखी पड़ी है। खैर उन्हें छोड़ो, वेपन निकालो, राइफल तो है ही नहीं, मतलब पिस्टल। कौन है भाई, कौन लेगा मेरे से पंगे? कोई एक बंदा है तो डायरेक्टली जाऊँ अटैक कर दूँ, या फिर इनसे बात करने की कोशिश करो। और भाई बहुत बंदे इधर, तो आई गेस अटैक करना चाहिए,
या फिर बात करने की कोशिश करनी चाहिए। ओ बाथरूम है इधर। अरे वाह यार, कभी मैंने पूरे के पूरे क्रूज शिप को एक्सप्लोर नहीं किया, कभी आना चाहिए इधर भी एक्सप्लोरेशन के लिए, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं एक्सप्लोरेशन के लिए। लेट्स जस्ट अटैक। अबे वो बंदा नहीं, वो बंदा नहीं है, कोई दूसरा बंदा है। एक सेकंड, गन रखो, शांति से बात करते हैं पहले। हेलो सर, माय नेम इज फ्रैंकलिन, आई जस्ट वांट टू मीट द बिजनेसमैन हियर। ओ नो भाई, जस्ट मीटिंग की तो बात की थी, सीधे गोली कौन चलाता है? अरे भाई ओ तेरी, सीधी गोलियां चलाने लग गए ये बंदे जस्ट एक मीटिंग की बात करने पे। बे तुम्हारी हल्के में ले रहे हो क्या मेरे को तुम लोग, हैं हल्के में? अबे कहाँ गए, हल्के में ले रहा है, निकल चल भाई। सब मीटिंग की बात की नहीं कि भाई गोली चला रहा बंदा, कहाँ से कूद के आ रहा है भाई तू लंगूर के बच्चे? इधर आ, और कोई है क्या? हेलो, वो कहाँ भाग के जा रहे हैं? एक वो रहा ऊपर की तरफ, इधर आ भाई तेरी ऐसी की तैसी, पीछे की तरफ से कोई घूम के आएगा। आ जाओ सर, व्हाट आर यू डूइंग सर? वो राइफल उठा लेते हैं इसकी, मिल गई राइफल। अबे 30 गोलियां हैं बस। ओ नो, ये तो तैयार बैठा है बंदा, ये ले हेडशॉट। हम भी तैयार है बेटा, कच्ची गोलियां नहीं खेली है मैंने। ओके, उतरने से पहले ही गया, तू भी निकल। और कोई है क्या? एनीवन एल्स? ओके सर, आप भी निकल लो यहाँ से। एनीवन एल्स? बस खत्म, निकल गई एकड़ी भाई। ओ ओ कौन सा, तू कहाँ से आ गया बे? आउट ऑफ नो वेयर कहाँ से आ रहा है तू? ओके आई गेस इतने ही थे। चलो फिर उस बिजनेसमैन को ढूंढा जाए जो यहाँ पर 5 करोड़ लेके घूम रहा है। तेरी ऐसी तैसी, कौन है भी तू? इधर आ, कौन है तू, कहाँ है तू? सामने आ मेरे, तेरी। ओए वो तैयार बैठा है, तैयार बैठा है। ओ डरा दिया भाई इसने तो। और भी है क्या अंदर? हो सकते हैं भाई, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। कौन है भाई, कौन है बिजनेसमैन, कौन है? पीछे वाला रूम, ओ पीछे वाला रूम छूट गया। कौन है भाई? ओ तेरी, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे सर आप ही हो वो बिजनेसमैन? अरे सर आप तो ढोलक बजा रहे हो, ढोलक नहीं क्या ये जो भी, नीचे रखो इसे। और आप बुलेट प्रूफ ढोलक ले रहा है ये तो, वेरी वेरी सॉरी सर, लेकिन इसे नीचे रखो और आप भी खुद नीचे हो जाओ। बताओ पैसे कहाँ हैं? अबे ये तो बेहोश हो गए, गोली में पैर पे गोली लगी नहीं, बंदा बेहोश। वेयर इज़ द पैसा, मतलब वेयर इज़ द मनी, कहाँ छुपाई होगी? अरे लेकिन छुपाने वाली चीज़ क्या है, 5 करोड़ ही तो थे, इधर ही सामने ही रखा होगा इन लोगों ने। यार मिल तो मेरे पैसे कहीं से भी, बुक्स रखी हैं इधर, टीवी रखा है, 5 करोड़ किधर रखा हो? कोई बचा ही नहीं बताने के लिए, सारे या तो बेहोश हो गए या तो टपक गए। इधर और भी रूम्स हैं। बा ये क्या है? अरे ऐसी बक्सा, ये तो मेकअप वाला। अबे पैसे कहाँ हैं 5 करोड़? भाई नहीं मिल रहे 5 करोड़। अबे यार मेरे 5 करोड़ गए क्या? हेलो, वाह क्या मस्त बेड है भाई। बाथरूम, ओ तेरी बाथरूम इतना बड़ा है, ओ तेरी ये सही बाथरूम है भाई। बाथटब वाथटब सब कुछ है यहाँ पर तो, क्या बात है भाई। अरे वाह ये क्रूज शिप बड़े मस्त होते हैं। अरे खैर छोड़ो, मेरे को 5 करोड़ चाहिए, मिल ही नहीं रहे। बाहर निकलते हैं, कहाँ रखे होंगे इसने? कोई बचा ही नहीं जिससे मैं पूछूं। इधर आएगा, ये भी बाथटब है। अरे कितने बाथटब है भाई, बस करो बस करो। कोई है क्या इधर? पैसे कहाँ हैं? बंदे नीचे क्या कर रहे थे, इतनी बड़ी जगह है ऊपर की तरफ, इधर घूम दे मस्त। सेकंड फ्लोर पे आ चुका हूँ मैं इसके, एंड यहाँ पर एक बड़ा सा पियानो है जो कि बज भी नहीं रहा है। नहीं है भाई, कोई बंदा नहीं मिला है मेरे को जब से गया भाई मैं तो। 5 करोड़ ढूंढते ढूंढते नहीं मिले, ना पैसे ना कोई बंदा, किससे पूछूं? ये तो कंट्रोल रूम लग रहा है, हाँ कंट्रोल रूम है। खैर नीचे ही होंगे भाई, वो जहाँ पर बिजनेसमैन था वहीं पर होंगे भाई ये 5 करोड़ जो मैं ढूंढ रहा हूँ। चलो डायरेक्टली नीचे चलते हैं। ओ भाई ये कौन सा तरीका हुआ नीचे जाने का? तो वापस आ गया मैं इस क्रूज शिप पे, एंड मैं जा रहा हूँ उस रूम की तरफ जहाँ पर वो बिजनेसमैन था। इधर ही ढूंढते हैं डिटेलिंग से, दरवाजे के पीछे, टीवी के पीछे, ड्रॉर्स के अंदर नहीं है, इधर दरवाजे के पीछे, टीवी के पीछे, टीवी तो है ही नहीं इधर, लैंप इधर ड्रॉर्स में भी नहीं है, इधर ड्रॉर में, बेड के नीचे झांक लेते हैं एक बार, बेड के नीचे तो जगह ही नहीं है, यहाँ पर दरवाजे के पीछे। अबे ये तो रे भाई, पूरी क्रूज शिप छान मार ली, पैसे यहाँ मिले हैं, उठा दें फटाफट से इस ब्रीफ केस को। ओके निकल दें भाई, 5 करोड़ मिल गए। ओ ओ एग्जिट कहाँ से था? अच्छा इधर से, नाइस। मेरी जेट्स की कहाँ है? यहाँ पर, बैठते अपनी जेट्स की में, एंड रिवर्स में चलती है ये, नहीं ले ये तो अटक गई, इसे धक्का देके पहले साइड तक ले जाना पड़ेगा। साइड तक लेके आ गया भाई जेट्स की को, अभी बैठते हैं, अब यहाँ से तो नीचे गिरी जाएगी एटलीस्ट ये, कम ऑन। ओके 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 नाइस, बहुत ही बढ़िया। एंड ये टाइम है यहाँ से
बाय बाय करने का, लेट्स गो। 5 करोड़ का हो गया जुगाड़, बहुत ही बढ़िया। ओ नो 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 नो, क्या कर रहा हूँ मैं, मेरी जीप मैंने इधर की तरफ पार्क करी थी, वहीं पर निकलते हैं एंड वापस से क्विकली अपने घर की तरफ चलते हैं भाई, एंड कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं ये 5 करोड़ एंड देन फिर हम लोग अब जुगाड़ करेंगे एक सुपर कार का, एक सुपर बाइक का। चलो भाई घर चलो क्विकली, लेट्स गो एवरीवन, फटाफट से घर की तरफ निकलते हैं, लेट्स गो। ओके ओके नाइस, एंड यहाँ से लेफ्ट एंड देन आगे से अगेन लेफ्ट, हियर वी गो। घर तो भाई दूर से अलग ही चमकने लग जाता है, स्पेशली वो जो चेरी ब्लॉसम के ट्रीज लगाए हैं मैंने, वो भी अलग से ही दिखने लग जाते हैं। खैर ये चेरी ब्लॉसम की ट्रीज तो मैंने इधर देखे थे भाई, तब से मेरा मन कर रहा था कि भाई हमें भी लगाना चाहिए, ये देखो इधर बंदों ने लगा रखे हैं, तो मैंने भी अपने घर के आगे लगवा दिए। वो देखो पिंक कलर के चेरी ब्लॉसम के ट्रीज, क्या ही ब्यूटीफुल चमक रहे हैं दूर से ही, नाइस। पैसे दे के आते हैं उसे कॉन्ट्रैक्टर भाई, लास्ट के 5 करोड़ का जुगाड़ और हो गया भाई, ये ले तू भाई पैसे, अब टेंशन मत लियो। अबे लेकिन एक सेकंड यार, मैं उतना पैदल दौड़ के क्यों जाता हूँ, मेरे को तो ये चीज़ समझ भी नहीं आ रही है। अरे गाड़ियों का गैराज है यार ट्रिपल फ्लोर तक, मैं गाड़ी सिंपली ले जा सकता हूँ, मैं पैदल ही दौड़ता रहता हूँ, बताओ कोई बात होती है ये, इतना पैसा खर्च के ये क्यों बनवाया है ये सब, गाड़ियाँ ले जाने के लिए सिंपली, हर बार गाड़ी लेके जाओ जब भी टॉप पे जाने का मन करे। अब यहाँ पर गाड़ी को पार्क करो आराम से साइड में, नाइस, एंड बाकी थोड़े से पैदल चल लेते हैं। यहाँ पे भी मैं सोच रहा हूँ लिफ्ट विफ्ट लगा दूँ भाई, बढ़िया रहेगा, खैर उसमें और खर्चा होगा। अभी तो 5 करोड़ दे देते हैं इसे, लो सर जी हो गया जुगाड़ 5 करोड़, करो आगे का काम शुरू। अब चढ़ जा, दे दिए भाई 5 करोड़ एंड अब बारी है एक सुपर कार का जुगाड़ करने की, कहाँ से लाई जाए एक सुपर कार, या फिर एक बाइक, एक बाइक ढूंढने चले क्या पहले, या फिर एक कार ढूंढने चले, मैं तो इसी चीज़ में कंफ्यूज हो गया हूँ यार। एक काम करते हैं, पहले कार ढूंढ के आते हैं देन फिर बाइक चलेंगे। मेरे पास वैसे कौन से कलर की कमी है, लेट मी जस्ट चेक। देखा जाए तो मेरे पास देखो ऑरेंज भी है, पर्पल भी है, रेड भी है, ब्लू भी है, स्काई ब्लू भी है, लाइम ग्रीन भी है, मिंट ग्रीन भी है, वाइट कलर भी है, पिंक कलर भी है, मजेंटा भी है, ग्रे कलर भी है, ब्लैक कलर भी है, येल्लो, येल्लो भी है लेकिन थोड़ा अलग येल्लो है, एंड रेड भी है। यार ऑलमोस्ट सारे कलर है मेरे पास, पिंक भी है, सीरियसली में सारे कलर्स की गाड़ियाँ हैं, एक आध कलर छूटते होंगे, जैसे सिल्वर, सिल्वर कलर की कोई गाड़ी नहीं है, गोल्ड, गोल्ड कलर की कोई गाड़ी नहीं है। खैर इनका भी जुगाड़ हो जाएगा, फिलहाल मैं अपनी जीप लेके नहीं जाने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें रीज़न तो पता चल ही गया होगा भाई, क्योंकि अगर मुझे कोई सुपर कार दिखी तो उसको लेके कैसे आऊँगा मैं, अपनी जीप छोड़नी पड़ेगी, फिर जीप लेने के लिए अलग से जाना पड़ेगा, इससे बढ़िया किसी और की गाड़ी लेके चलते हैं, जैसे कि सड़क पे चलती हुई किसी बंदे की छीन लेते हैं, या फिर पड़ोसी की गाड़ी किस दिन काम आएगी। चलो भाई उठा ली पड़ोसी की गाड़ी एंड चलते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढूं मैं सुपर कार, किधर मैंने काफ़ी दिनों से नहीं ढूंढी, एयरपोर्ट पे तो मैं ढूंढता ही रहता हूँ, उधर तो मिल जाती है, अमीरों के मोहल्ले में काफ़ी दिनों का यार, एक बार ज़रा चलते हैं अमीरों के मोहल्ले की तरफ, मे भी उधर मिल जाएंगे, अगर उधर नहीं मिली तो फिर बीच की तरफ चलेंगे। हाँ तो आ चुके हैं अमीरों के मोहल्ले की तरफ एंड आजकल इधर गाड़ियाँ बिल्कुल भी कम दिख रही हैं भाई, मतलब एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव कार नहीं नज़र आती हैं। देखो एक बंदा फरारी लेके जा रहा है, फरारी मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं कह रहा था एकदम अलग हटके थोड़ी रेयर कार सब नज़र नहीं आती, अब ये अमीरों का नहीं एवरेज मोहल्ला रह गया है। खैर देखो एक बंदा हमर, ओ यस हमर नहीं है मेरे पास, बट ये ब्लैक कलर वाली अच्छी नहीं लग रही है एंड ये रेयर भी नहीं है, मेरे को रेयर वाली हमर चाहिए। SUVs भी कलेक्ट करनी चाहिए भाई, ऑडी हो गई, रेंज रोवर वगैरह भी होनी चाहिए मेरे पास, कि कोई खास गाड़ी तो नज़र नहीं आ रही इनमें, ओल्ड मॉडल मस्टैंग है, इधर झांकते हैं इस घर में कौन सी है ये, अबे तो लोकल सी है, इधर तो नहीं दिख रही है, वो कौन सी है भाई, फरारी है, फरारी है मेरे पास ऑलरेडी भाई। अमीरों के मोहल्ला तो गरीबों का मोहल्ला हो गया भाई, सीरियसली में कोई गाड़ी नहीं है, वो कॉर्वेट है वहाँ पर, कॉर्वेट भी है मेरे पास, ये जैगवार है, जैगवार भी है अपने पास ऑलरेडी, ये फिर से भाई लोकल सी गाड़ी, इधर भी फिर वो लोकल सी, अल भाई ख़त्म हो गए तो अमीरों का मोहल्ला। एक इधर गाड़ी दिखी थी, रुको कौन सी है ये, अब फरारी है वाइट कलर की, छोड़ो भाई नहीं मिली, इधर बीच की तरफ चलते हैं, मे बी वहाँ पर मिल जाए, लेट्स गो क्विकली। अब वैसे अभी तो बीच से आ रहा हूँ, हाँ लेकिन उसके ऊपर कहाँ गया था, पियर के ऊपर, पियर के ऊपर चलते हैं। चलो भाई पहुँचने वाले हैं लॉस सैंटोस के सबसे फेमस पियर, डेल पेरो पियर जिसका नाम है, कितना अजीबो गरीब नाम है, डेल पेरो पियर। हेलो एवरीवन, यहाँ पर एक से एक अमीर बंदे आते हैं,
मिल सकती है भाई गाड़ी वाड़ी। अमीर बंदे तो नजर नहीं आ रहे हैं, सबके पास अबे नैनो लेके घूम रहा है। फरारी, कॉर्वेट, जैगवार, ये तो सस्ती वाली ऑडी, ओल्ड मस्टैंग, बफेलो, ये कौन सी है, डंडुरी, अबे ये अच्छा लैंड स्टॉकर, पुरानी वाली लैंड क्रूजर, अबे नहीं है भाई कुछ भी नहीं है इधर। ये कौन सी है, डॉज, नहीं है भाई कोई भी ढंग की गाड़ी नहीं है यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। वेस्ट हो गया यहाँ पे भी आना, रोलर कोस्टर की राइड ले लूँ क्या, आया हूँ तो मन नहीं कर रहा मेरा कुछ भी करने का भाई, कोई सुपर कार ही नहीं मिल रही आज। अमीरों का मोहल्ला भी घूम के आ गया, वहाँ भी कोई गाड़ी नहीं मिली, एंड यहाँ भी मुझे नहीं लगता कोई गाड़ी मिलेगी। मिल गई है एक टेरजो मिल गई है, एंड वो भी येलो कलर में, जिसका मेरे पास मतलब जिस कलर की कमी थी मेरे पास। मैं कह रहा था कि येलो तो है बट वो ऐसा येलो था जैसे ये रोलर कोस्टर का तुम लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिख रहा है ये डार्क येलो टाइप, बट ये है एकदम लाइट येलो, ब्राइट येलो। एंड ये टेरजो बढ़िया लग रही है, मेरे पास टेरजो नहीं है कि है मेरे पास, नहीं नहीं मुझे नहीं लगता मेरे पास लैम्बोर्गिनी टेरजो है। ओ भाई साहब कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। लो भाई सुपर कार चाहिए थी, सीधे कॉन्सेप्ट कार मिल गई, अब क्या चाहिए, वो भी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, इसके व्हील्स वगैरह भी लाइट अप होते हैं, हेडलाइट भी। ओ भाई क्या हो गया, तेरी है क्या, बे तेरी ऐसी की तैसी, तेरी टेरजो है, अरे पूरा खानदान लेके आगे लड़ने के लिए, तो ये ले मेरे से लगता है गाइस। ओ गन कहाँ है मेरी, ओन मेरी गन रह गई घर पे लगता है। ओहो बिना गन के भी भारी पड़ूंगा मैं इन लोगों पे। ये ले बोल 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 फालतू बोलना, तू क्या हो गया, बोल उठ, बोलना फालतू यार, बंदे बेमतलब में अपनी हाइट वाइट नहीं देखते हैं, लड़ने के लिए आ जाते हैं। ओके तो मैं कह रहा था कि भाई सुपर कार स्पोर्ट्स कार ढूंढ रहा था, डायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट कार मिल गई, अब क्या चाहिए, अब चाहिए एक बाइक। सुपर कार हो गई मतलब कॉन्सेप्ट कार तो मिल गई एक, अब एक अलग से हटके बाइक और मिल जाए मज़ा ही आ जाएगा जिंदगी का। सबसे पहले तो इसे संभाल के घर की तरफ लेकर चलते हैं, क्या स्पीड है यार इसकी, मज़ा आ गया। एंड कलर कॉम्बिनेशन कितना परफेक्ट है येलो एंड रेड का, एंड वो रेड भी ऐसा नहीं है कि पूरी गाड़ी रेड है, हर जगह नहीं है रेड, वो हल्का हल्का कहीं कहीं पर वो रेड है। एंड व्हील्स के अंदर मुझे लग रहा है ये शायद थोड़ा सा या तो ब्राइट रेड है या तो ऑरेंज है, ये पता नहीं, तीन तीन कलर हैं इस गाड़ी के ऊपर। जिस गाड़ी की मिलने की उम्मीद की थी भाई अमीरों के मोहल्ले में, वो गाड़ी मेरे को मिली बीच की तरफ, पता नहीं कौन बंदा लेके आया था। चलो भाई घर पे लेकर चलते हैं क्विकली। ओके लैम्बोर्गिनी टेरजो आ चुकी है भाई हमारे इस आलीशान से घर के अंदर। हेडलाइट वेडलाइट बंद करते हैं भाई एंड मोड़ते हैं ज़रा इसे, एंड इसको एक अच्छी सी स्पेशल जगह पर हम लोग रखेंगे पहले। ओ भाई इसको चलाना कितना मुश्किल है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना लो है ना भाई, ये देखो चढ़ ही नहीं पा रही, बड़ी मुश्किल से चढ़ रही है इसके ऊपर, इसका ग्राउंड क्लियरेंस दिक्कत दे रहा भाई। ओ नो आराम से ओके नाइस ओके ओन गड़बड़ भाई साहब, इसको तो नीचे वाले फ्लोर पे ही रखना चाहिए था सीरियसली, मैं इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत दिक्कत दे रहा भाई, एक काम करते हैं इसको नीचे वाले फ्लोर पर ही लेकर चलते हैं, क्योंकि बिल्कुल ज़मीन से चिपकी हुई गाड़ी है यार, तुम लोग खुद देखो जगह ही नहीं है ज़मीन और गाड़ी के बीच में, तो इसीलिए इसको जितना नीचे रखेंगे उतनी आसानी रहेगी इस गाड़ी को बाहर निकालने में। एक काम करते हैं जैगवार की जगह शिफ्ट कर देते हैं, ऊपर लगा देते हैं इसे, यस यही करना पड़ेगा। आराम से इसको पहले इधर करो, एंड देन टेरजो को मिल गई है अब ये जैगवार वाली जगह, ये देखो इसके लिए यहाँ पर ले जाना काफ़ी आसान रहेगा, एंड अब जैगवार को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई ये भी क्या मस्त है भाई, इसके व्हील्स देखो, अरे वाह यार इसके अलॉयज कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब इसको कहाँ लगाऊँ, जगह की वैसे कमी तो नहीं है, यहाँ पर लगा सकते हैं बट पहले ऊपर वाली जगह फिल करते हैं, ऊपर भी अपने बहुत जगह खाली है। यहाँ पर आई गेस क्या बोलते हो तुम लोग, या फिर रुको या फिर नहीं ठीक है यहाँ पर आराम से ये जैगवार लग गई भाई इधर की तरफ, बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं एक बाइक लेने के लिए, बाइक के लिए मुझे लगता है डायमंड कसिनो जाने से अपना काम हो जाएगा, उधर काफ़ी बंदे, या फिर नहीं रुको बाइक के लिए मुझे लग रहा है अरीना वॉर चलते हैं, उधर बंदे लेके आते हैं एक से एक, उधर मिल जाएगी बढ़िया सी बाइक, चलते हैं अरीना वॉर की तरफ। फिर से कोई सड़क से गाड़ी उठाते हैं, किसकी गाड़ी उठाए कोई जा नहीं रहा क्या, अबे कोई है, वो रहा एक बंदा आ रहा है। ओके सर अपनी गाड़ी दो जरा, निकलते हैं अरीना वॉर, एक बाइक लेके आते हैं पुलिस वाले, अरे पुलिस वाले कहाँ, किसके चोर के पीछे पड़े हैं, अरे सर ओ नो सर मैं हेल्प करूँ क्या कुछ, सर मैं कुछ हेल्प करूँ क्या उस चोर को पकड़ने में आपकी, रुको सर मैं हेल्प करता हूँ। कम ऑन तेरी ऐसी की तैसी, चोर के बच्चे भाग के दिखाना। ओ नो किसी और को ठोक दिया मैंने, बहुत ही बढ़िया सर, एंड अभी और हेल्प चाहिए सर आपको,
उन्हें पुलिस वालों ने तो खुद ही ठोक दिया यार। क्या बात है, क्या खतरनाक पुलिस वाले लॉस सैंटोस के। निकलते हैं बाइक लाने के लिए। अरीना वॉर की तरफ आ गया भाई बाइक की उम्मीद लेके। मेज बैंक अरीना बाइक है क्या भाई? बाइक दे दो बाइक। पार्किंग में देखते हैं पहले तो, गाड़ियाँ ही हैं पार्किंग में तो भाई, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ। एक चक्कर लगाते हैं ज़रा मेज बैंक अरीना का। हट जाओ सर जी। अबे पार्किंग कहाँ है इसकी? ओके आ गया शायद। अबे पार्किंग ही नहीं आ रही भाई, सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही है हर तरफ। ओके पार्किंग प्लीज। अरे क्या ये तो पूरा पार्क बना दिया है पार्किंग का। हाँ ये रही पार्किंग, गाड़ियाँ हैं भाई इधर तो, बाइक नहीं दिख रही। ओ क्या मस्त गाड़ी है, लेकिन मुझे बाइक चाहिए एक। इधर चढ़ते हैं भाई, मे भी मिल जाए कोई बाइक बढ़िया सी। हेलो सर जी, कोई बाइक देखी है क्या आपने? ओए लॉन्डो कोई बाइक है क्या? ओ भाई मीटिंग चल रही है लगता है यहाँ पे। निकल लो भाई निकल लो, गड़बड़ कर दी, पीछे निकल लो। ओए वेट, वो रही बाइक। ओए मिल गई जिसकी उम्मीद थी, मिल गई। और क्या मस्त लग रही है भाई। ओ तेरी क्या हैवी बाइक है, इसका पीछे वाला व्हील देखो कितना चौड़ा है। ओ कलर भी क्या मस्त है भाई, ब्लू एंड येलो। नाइस यार, इसकी हेडलाइट देखो, टेल लाइट देखो, मस्त बाइक मिल गई। जैसी उम्मीद की थी उससे भी अच्छी मिल गई, इसलिए मैं कह रहा था भाई अरीना वॉर में मिल जाती है बाइक्स वगैरह। चलो क्विकली जल्दी से अभी घर निकलते हैं गाइस। हो गया आज का टास्क पूरा, हो गया भाई 5 करोड़ मिल गए हैं, उसमें से 1 करोड़ ड्राइवर को देने हैं, वो मैं बाद में दे दूंगा। एंड बाकी गाड़ी मिल गई अपने को, एक कॉन्सेप्ट कार, एंड एक ही आज बाइक भी मिल गई है, इसको भी लगा देते हैं अपने शोरूम में। बस 1 करोड़ और जुगाड़ करने को रह जाएगा, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, एंड देन हमारा पूरा का पूरा जो गेमिंग रूम है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो घर। ओके शॉर्टकट था ये मेरा। ओ भाई दूर से हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा है, एंड वो गेमिंग रूम भी आ गए। एक और ब्यूटीफुल बाइक के साथ अब मेरे बाइकों का कलेक्शन एक्सटेंड हो गया भाई, टोटल 4 बाइक्स हो चुकी है इसको अगर शामिल कर देंगे तो। ओके सारी बाइक्स एक से एक है, एंड अब कलर कॉम्बिनेशन भी थोड़ा इन्हेंस हो रहा है। जैसे अभी मेरे पास 2 रेड थी, 1 पर्पल थी, एंड अब एक ब्लू एंड येलो कॉम्बिनेशन की बाइक आ चुकी है। नाइस, तो इस तरीके से गाइस हमारा घर अपग्रेड हो रहा है, एंड मेरा कॉम्बिनेशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो धीरे धीरे करके एक दिन ये पूरा का पूरा शोरूम फिल हो जाएगा, एंड मेरा गेमिंग रूम तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आज की वीडियो तुम लोगों को बढ़िया लगी हो तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम एंड एक्स पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।